अभी हम गया रास्ते में जा रहे थे और गया रास्ते में अचानक हमको साइकिल से एक बाबा दिख गए। बाबा साइकिल से दिखे और पूरे भगवा कलर में दिखे हैं। और देख लीजिए कि सामने यहाँ पे महादेव का, यहाँ पे देख लीजिए जगन्नाथपुरी का लगा हुआ है फोटो, जगन्नाथपुरी का। अच्छा एक बार सबसे पहले एक बार कैमरा इधर दिखाइएगा, देख लीजिए सारा सामान इनके अंदर बंधा हुआ है। और अचानक हमारी दृष्टि इनके साइकिल पर पड़ी, यहाँ पे लिखा हुआ था भारत भ्रमण, यानी समझ जाइए पूरे भारत भ्रमण के लिए निकले हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या नाम है बाबा? मेरा नाम श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर जी, अच्छा कहाँ घर है आपका? हमारा बिरजा क्षेत्र जाजपुर। अच्छा ये कहाँ पड़ता है? ओ हमारा बिरजा क्षेत्र हमारो जाजपुर, वही तो बिरजा क्षेत्र में ना। अच्छा अच्छा, जगन्नाथपुरी से आप आ रहे हैं? हाँ। अच्छा जगन्नाथपुरी से अभी कहाँ जाना है आपको, अभी कहाँ के लिए निकले हैं? अभी गोया। अच्छा बुद्ध गया जाने के लिए। अच्छा बुद्ध गया? बुद्ध गया। अच्छा बाद में ऑल इंडिया कितना दिन लगेगा तेरा मेरा को मालूम नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया घूमना घूमना है। अचानक ये मन में कैसे आ गया कि ऑल इंडिया घूमना है? घूमना ही तो मेरा माँ, मेरा माँ काली मेरा को स्मशान से लेके जाएगा पाठ पढ़ने के लिए। ओ बाबा, ओ जगन्नाथ, ओ मेरा जय जय है, यानी बाबा जगन्नाथ पे विश्वास है। हाँ विश्वास। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान अंधभक्त नहीं है, लेकिन क्या कहिएगा? भगवान था ना, भगवान जरूर भगवान था, एक शक्ति शक्ति वो भगवान का देखा जाएगा नहीं। कितना उम्र कितना हो रहा है आपका? 65 हो गया। 65, उसके बाद साइकिल से पूरे भारत घूमना। देख लीजिएगा इनको जरा सा एक बार दिखाइएगा, पूरे साइकिल से पूरे भारत को ये घूम रहे। और सामने देख लीजिए जगन्नाथपुरी का फोटो लेके घूम रहे। अच्छा मन में अचानक आस्था आ गया कि पूरे भारत घूमना। ओ माँ मेरा को लेके जाएगा ना, वो जो माँ काली। हाँ हमारा माँ काली मेरा को लेके अच्छा, जाएगा। यानी आप माँ काली के सहारे चलिएगा? हाँ, 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 आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है? नहीं नहीं। कि आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति है? वो जो स्पिरिट ना, वो जो दिव्य शक्ति मेरा, वो आत्मा, वो परमात्मा, वो माँ जो परमात्मा है ना, वो जो आत्मा में मेरा को लेके जाएगा। हम लोग बाइक से चलते हैं 200 किलोमीटर तो थक जाते हैं, आप पूरे भारत भ्रमण कीजिएगा वो शक्ति में। हाँ माँ का शक्ति में जगन्नाथ। चलिए मैं इनके जज्बे को सलाम देता हूँ और तमाम लोगों को एक सीख देना चाहता हूँ। अभी देखिए सुबह सुबह अभी 5:30 टाइम हुआ है, इन्होंने जगन्नाथपुरी से साइकिल से यात्रा किया। अच्छा दिक्कत कभी रास्ते में, दिक्कत किसी प्रकार का? नहीं नहीं नहीं, माँ था ना वो जगन्नाथ था ना, कोई दिक्कत। अच्छा जब साथ में कहावत है जिसका नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे? सब देवा है, सब। जब महादेव साथ में है तो क्या हो सकता है? नहीं अच्छा है, सब देवा देवी मेरे पास था, सब साथ में, सब साथ में। अच्छा मन में कुछ सपना होगा ना, कुछ तो लेके निकले होंगे। देखो मैं इतना देवा देवी आएगा, मैं माँ को भगवान को कोई बताएगा नहीं, वो तुम्हारे शरण के लिए। अच्छा वो शरण, वो तुम्हारा इच्छा पूर्ण हो। अच्छा जो कुछ तुम्हारा इच्छा ना वो पूर्ण हो, ऐसे लेके मेरा इच्छा से माँ का इच्छा, मेरा जो इच्छा कहना माँ का इच्छा पूर्ण करेगा ना, मोर जो इच्छा था वो पूर्ण करेगा पक्का। अच्छा यानी आप माँ का इच्छा पूरा कीजिएगा, आपका इच्छा बिना मांगे हुए आपको मिलेगा पक्का। क्या पक्का? आपको बिना मांगे हुए मिलेगा पक्का। अब समझ जाइए हमारे साथ 65 साल के बाबा जो कि साइकिल से, और सामने देख लीजिए बजरंगबली का पताका लगाते हुए इन्होंने जो काम किया है, इनके लिए आप लोग कॉमेंट कीजिएगा और तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इनके प्रति इनके जज्बे को जो सलाम देना चाहिए वो आप लोग जरूर दीजिएगा, और लगातार आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरे भारत में ये वीडियो जाए। और देखे क्या क्या लगता है कि पूरे भारत में वीडियो जाएगा? भगवान का इच्छा, माँ का इच्छा है, मेरा को बताएगा माँ, एक बार मेरा को बताएगा पक्का, जरूर बताएगा, जरूर जाएगा पक्का ना पक्का। चलिए सुबह सुबह हमारे साथ मिले बाबा, बाकी आप लोग इस वीडियो को देखते रहिएगा। अच्छा बीच में कभी थकिएगा नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। अच्छा 4 बजे। अच्छा एक मिनट, खाना क्या खाते हैं? रात को भी चलते हैं क्या? अभी मेरा पैसा शॉर्ट है। अच्छा कोई आदमी की ज्यादा नहीं, 10 रुपया 10 रुपया, वो 10 आदमी मिल जाएगा तो 100 रुपया, 50 रुपया खाना मैं होटल में खाई दिया सुबह सुबह। अच्छा ठीक है, चलिए आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और जगन्नाथपुरी से आए हैं, ठीक है ना? अभी ज्यादा नहीं, हम आपको अभी भगवान के लिए, ठीक है ना? बस आप लोग ऐसे ही आगे बढ़िए, और जो मेरा श्रद्धा था बिना मांगे मैंने आपको दिया, वो आपको नहीं वो माता रानी के चरणों में, ठीक है ना? ठीक है। बाकी आप ऐसे ही जज्बे को करते रहिए, फिर आपसे मिलेंगे। बाकी आप इनके लिए कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, लगातार आप लोग बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।